रिंग घुसिंग गए आरसीबी में तो वही केकेआर को बड़ा झटका। आईपीएल 2024 रिटेंशन सीएसके से आरसीबी तक सभी 10 टीमों ने रिलीज किए अपने 85 खिलाड़ी। ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने कुल अपने 85 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर ने अपने 12 खिलाड़ियों को रिलीज किए हैं। इसमें सबसे चर्चाओं का विषय हार्दिक पांड्या रहे हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 करोड़ की प्राइज मनी पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई के कप्तान भी बन सकते हैं। रिंकू सिंह का प्रदर्शन हाल ही में T20 में बहुत ही अच्छा रहा है, जिसमें पहले मैच में रिंकू सिंह ने 14 गेंद पर 22 रन बनाए, तो वहीं दूसरे मैच में 9 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसमें पहले T20 मैच में लास्ट बॉल पर 6 मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। रिंकू सिंह T20 के विस्फोटक बल्लेबाज है, तो वहीं उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बाद अब वह केकेआर को छोड़कर आरसीबी में जा सकते हैं। अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाएंगे और केकेआर की टीम से रिंकू सिंह आरसीबी में जाएंगे।